राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। कहते हैं चाहे कितना बीमार व्यक्ति हो, रोगी हो, कोट भी लगा हो, यदि वो भक्ति करता है, सत भक्ति करता है, तो उसका रोग भी ठीक होगा, उसको मोक्ष भी मिलेगा। और जो सुंदर शरीर है सारा दिन इसे के अपने देख रेख में इसी के गर्व करते हैं और भक्ति करते नहीं, कहते वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख ना ही नाम। फिर कहते राम रटत कन्या भली और साकट बलो न पूत, बकरी के गल में गलथड़ा जिसमें दूध न मूत। क्योंकि हमारे समाज में पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है बिना ज्ञान के। वैसे पुत्र और पुत्री में हमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब परमात्मा की आत्माएं हैं, अपने अपने संस्कार सब साथ लेकर आते हैं। फिर भी उस समय जो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे कबीर भगवान, तो उसमें क्या कहा करते कि बेटी सत्संग में नहीं जाएगी, बेटे बेशक चले जाओ। लेकिन रिवाज तो थी नहीं भक्ति की, वैसे को दुख में वैसे कोई साधु संत के पास ले जाते थे झाड़ा दूड़ा लुवाने के लिए। फिर भी परमात्मा याद दिलाते हैं कि राम रटत कन्या भली, भक्ति अगर बेटी कर रही है उस बेटे से 100 गुना अच्छी है जो भक्ति नहीं करता। वो बेटा कैसा है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका कर, थन जैसी। तो परमात्मा कहते हैं वो तो व्रत का बोझ है उसके गल में बकरी के, वो किससे काम की कोनी वो खाल, ना दूध ना मूत, यानी किससे काम नहीं आती वह। इसी प्रकार वो बच्चा जो भक्ति नहीं करता वो मात पिता के गल में गलथना है। और वो कन्या जो भक्ति करती है माँ के, वो बेटा तो मात पिता पर भार बनेगा कोई से को, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता उस पर आपदाएं आएंगी, आपत्ति आएंगी, तो माँ बाप साथ दुखी होते हैं, जो पुत्र दुखी होता है तो वो डिस्टर्बेंस करेगा आपकी भक्ति में भी और दुखी भी रहेगा, दुखी रखेगा। और जो बेटी भक्ति करती है उसके साथ भगवान होगा, उसके संस्कार में कोई पाप कर्म का दंड भी आवेगा, उसने भी भगवान रक्षा करेगा। और जिस परिवार में वह बेटी जाएगी उस परिवार को भी सुधारेगी, उसमें भी भगवान वह साथ रहेगा, भक्ति प्रवेश करेगी, तो वह बेटी सदा सुखी रहेगी। बेटी सुखी रहेगी तो मात पिता की आत्मा भी शांत रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत कन्या भली और साकट, जो भक्ति करे न करण दे उसको साकट कहते हैं, वो साकट बला न पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत। वो किसे काम का नहीं वो बेटा जो भक्ति नहीं करता। फिर परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो न चाम। इस जिव्या का कितना योगदान है हमारे लिए, यानी खारा मीठा चाख है, खाना खाने में सहयोग देती है। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जुबान से, इस जिभ्या से परमात्मा का नाम और परमात्मा की महिमा नहीं बोली जाती तो इससे अच्छा तो इसने निकाल कर काट कर फेंक दे वो बढ़िया। क्योंकि मुख को सबसे पवित्र अंग माना जाता है और ऐसे पवित्र अंग में कहते इस चाम की कति जरूरत नहीं जीभ की। अपने आत्माओं ये सोच लेना परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसमें भगवान की भक्ति कितनी आवश्यक है। यदि भक्ति नहीं करता तो इस जुबान से कोई तगड़ा है, ताकतवर है, गरीब को कोई ऐसा वचन कुवचन बोल देगा उसकी आत्मा रोती रहेगी, क्योंकि उसका संघर्ष तो कर नहीं सकता, ताकतवर है,
तो उसकी आत्मा दुखादी उस जीव रूपी तलवार ने उसके अटैक कर दिया, या किसी की निंदा करके लड़ाई करवा होगा, या किसी की गलत गवाही देकर पाप का भागी बनेगा। तो कहते इससे अच्छा तो भगवान या जीव कट जाए जो भक्ति नहीं करते, तो भी कुछ पाप से बचे रहेंगे। तो इससे समझना भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं।